لا حول छोड़ा था एक सवाल जो हमारे बच्चे जवान कर रहे थे,
और वो ये इसलिए कि ये मजलिसें आपकी, जो मैंने कहा था याद है आपको नहीं याद, ये मजलिसें आपकी यूनिवर्सिटी है। अजीब बात है, दुनिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर होता यह है कि वह प्रेप में जाता है, प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी पहुंचता है, लेकिन यह मौजदा है एक हुसैन की यूनिवर्सिटी का और एक हुसैन के बेटे जाफर सादिक की यूनिवर्सिटी का। शायद मेरे साथ मुझे कनेक्ट नहीं हो पाए, पॉसिबल यूनिवर्सिटी का मौजदा है। आप अंदाजा लगाए, छह माह का बच्चा भी आता है, 72 साल का बुजुर्ग भी आता है, डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, सारे के सारे आते हैं। क्या सुनने आते हैं? हुसैन को सुनने आते हैं। बस सुन लो, हुसैन को सुनने आते हैं। जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, ये याद रहे, अगर जिस दिन मिंबर पे आने वाला खतीब ये समझ रहा है कि उसे सुनने आ रहे हैं, तो उसे मिंबर पे बैठने का हक नहीं है। इसलिए क्योंकि इसलिए सुना जा रहा है कि तुम हुसैन का पैगाम सुन रहे हो। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारा कोई म्यार नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारा कोई मर्तबा नहीं है, हमारा कोई रुतबा नहीं है। अल्लाह अकबर, हुसैन का पैगाम पहुंचा दो। मन अज़का इला नातकिन फकद अबदा, नबी इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहि सलाम। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आलिही मुहम्मद। मेरे साथ एक कलिमा कर दूं तो मोहब्बत का सबूत दीजिएगा कि मैं आपके हवाले। मन अज़का इला नातकिन फकद अबदा, मौला फरमाते कि जो जिसको तवज्जो से सुनता है उसका बंदा हो जाता है। नई बात पहुंच सके, जिसको तवज्जो से सुनता है उसका बंदा हो जाता है। अगर इंकान नातको यंतको निल्ला, अगर बोलने वाला तो खुदा की बात पहुंचा रहा है तो खुदा का बंदा हो जाता है, और अगर उसकी जबान से शैतान बोल रहा है तो वो शैतान का बंदा हो जाता है। बंदा शैतान का बंदा। इन मजलिसों में हम यही तो मैसेज देते हैं, बाकी लोग शैतान की बंदगी से निकालते हैं। और जो तक शैतान की बंदगी से निकालते हैं, विराज जानते हो ना, अभी तो बात हो रही थी कुछ देर पहले, दोपहर की मस्जिद में भी सुना है ना, और रिपीट करना हमेशा आज में नहीं है। तो लिहाजा आपकी तवज्जो चाहूंगा, बाजी तो मिला है अख्तियार, विलायत हाकिमियत है, विलायत मुक्तदर, विलायत का मतलब है वली यानी हाकिम, तवज्जो है या नहीं है। अब जब तुम्हारा हाकिम कौन, खुदा रसूल इमाम, तवज्जो रहे, खुदा रसूल और इमाम, तो किसको सुनना है तुम्हें? बाकी लोग इमाम के कलाम को सुनना है। हमारी मजलिसों में याद रहे, चाहे नवाखानी हो, तवज्जो रहे, मुझे शायद हो सकता है शबे आशूर पढ़ना, आज पढ़ना, सबके सब आ चुके हैं, मैसेज पहुंचा, मैसेज तो बहुत जा रहे हैं, तो कोशिश करो। जिनको जुलशीरा में 3 दिन शोर करके बोलने का मौका नहीं दिया गया उन्हें बोलने दो। जुलशीरा में 3 दिन जिन्हें शोर करके बोलने का मौका नहीं दिया गया उन्हें बोलने दो, नहीं तवज्जो है, और आगे बढ़ते। अजीजो अजीजो नबी को बोलने दो, अली को बोलने दो, अली को बोलने का मौका नहीं दिया गया। कितनी देर लग गई, 25 साल तक कायनात का जो सबसे बड़ा खतीब था उसे खामोश कर दिया। नहीं बात नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा सकता। यानी का अलमिया कल भी है, आज भी है, यानी की ट्रेजिडी कल भी आज भी है, वजुल्ला की। मैं फजाले ही बयान करने आया हूं, मैं मसाइब हुसैन बयान करने आया हूं, अब कहां कहां से चले आ रहे, मैं रोता हूं किस बात पर जानते हो? हमें सुनने के लिए आप इतनी दूर से चले गए, और अली वो 25 साल की बात कही नहीं रहा हूं, वो मेरे साथ हो तवज्जो है ना, अली की मजलूमियत बता दू। अजी तो 25 साल जब अली के हाथों में जाहिर हुकूमत है उसकी नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा, जब अली के हाथ में इख्तदार है, तवज्जो है तुम्हें, कूफा है, अली हाकिम, अब तो अली को सुनने वाले मिल जाए ना, अब तो अली को सुनने वाले मिल जाए ना, क्योंकि देखो मैं यहीं से तो आगे बढ़ रहा हूं, काफी तक पहुंचना। अली को
अली अपने एक सहाबी को लेकर चलते, उसका नाम है जंतु शबे जुमा, एक दुआ पढ़ते हो, इसकी दुआ है कुमैन की, दुआ कुमैन, ये कुमैन की तैयार करता है, कुमैन की तैयार करता है, यानी कुमैन की तैयार करता नहीं है, कहीं घराने का एक चरण है जब किसी को दे देते दुआ, किसी को दे दी दुआ, उसकी खुतबा दे दिया खुतबा, उसका माल दे दिया उसका, यानी देने के बाद फिर अपना नहीं कहते, ये हमारी बड़ी मुश्किल है, हम देने के बाद, दादा ने कभी किसी को कुछ दिया था तो उसे कहते हमने दिया है। इस मजलिस से एक पैगाम ये भी लेके जाना, आप जो दे दो ना तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं, किसका है, जिसको दे दिया उसका, और जब इस नियत के साथ देते हो फिर हम तो होता क्या है, इस नियत के साथ देते हो तो होता क्या है, ये तुम्हारे हाथ से जा रहा है, मिम्मा रज़क़नाहु मिन बख़ुर, ये तुम्हारे हाथ से जा रहा है, तुम्हारा है, कुरान मजीद तो बार बार कह रहे जो हमने तुमको दिया, हमने जो तुमको दिया उसमें से थोड़ा सा दे दो, इंफाक में से थोड़ा सा दे दो, बाकी लोग इंफाक के अंदर भी नूर है, जुमले की कल कर सको, इंफाक में भी नून और फेर और काफ है, निफाक में भी है, वहां अलिफ लग जाए, बाकी जो अलिफ लग जाए तो इंफाक हो जाता, और जब तुम्हारी जात शामिल हो जाए तो अलिफ निकल के निफाक हो जाता। क्या कह रहे नहीं है पृथ्वी की निगाह से,
फाइल्स, बारिश थी हफ्ते दो हफ्ते हफ्ते आदम के बराबर अलग अलग टाइप के, और खाने खाना जो खुदा का घर था वो खाना ऐसा ही है ना। फिर मैं अपने मिजाज को आया हूं नसीहत करी बाजार तक पहुंचने से पहले सुनोगे तो खुदा ने खाने काबा में क्या कायदा रखा, क्या ये रखा कि अब जब अली आ गए तो खाने काबा में पुत नहीं रहेगा, अब मोमिन सुन ले जिसके दिल में अली की मोहब्बत आ जाए अब उसमें नफाक नहीं रहेगा, कीना नहीं रहेगा, हसद नहीं रहेगी, नफरत नहीं रहेगा। हवाई मर्ज
कैमे हो जाती है तो शोर तो कान बंद हो जाती है। अब बात कर रही है बंद हो जाते हैं। अब इसमें रख लिया कुछ क्या है भाई आवाज ना है। ये होता था मक्के में होता था यार। अरे नहीं बड़े अल्लाह अकबर मक्के में होता था याद नहीं है। मक्के में होता था क्या होता था जब रसूल हुसैन का नाना कुरान नाजिल हुआ ना तो उसके बाद आप कुरान की तिलावत हरम में करते थे। जब हरम में करते थे तो हज के लिए लोग आते थे तवाफ के लिए आते थे। कोई शाम से आता था कोई यमन से आता था कोई मदीने से आता था कोई हिजाज से आता था। तो अबू जहल क्या करता था मक्के के बाहर खड़ा रहता था और आने वाले से कहता था एक शख्स है जो मियां बीवी को अलग कर देता है बाप बेटे को अलग कर देता है भाई तुमको एक दूसरे का दुश्मन बना देता। जादूगर है साहिर है बाजी को साजिश कह चुके थे साजिश कह चुके थे। लिहाजा जादूगर तो कह रहे साजिश नहीं साजिश होने का इनकार नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का इलेक्शन थोड़ी नहीं है साजिश अभी जितने झूठे सब साजिश जितने कलीमान सारे के सारे नहीं हो गए क्या है साजिश। अल्लाह अकबर तुम्हें साजिश देखना ना तो मक्के में रसूल को काफिर कहते हैं साजिश। मक्के में काफिर कहते हैं साजिश। मदीने के अंदर खानदान को साजिश कहा जाता है क्या है तो मुबाहले का मौका। एक जुमला मुझे कहने दे मक्के ने बताया मोहम्मद साजिश नहीं समझ रहे। मक्के ने बताया मोहम्मद सादिक मदीने में बताया आले मोहम्मद सादिक। बस इनके अलावा जो भी है वो फैसला होगा। अगर साथ है तो कुरान के मुताबिक कूनो मा सादिकीन है सामने आ गया तो झूठ तारीफ कहती वो सच्ची तारीफ कहती वो सच्ची कल्चर के नतीजे में मैं हिंदुस्तान के हजरात से माजरत के साथ सलवात पढ़ेगा बाबा आदे बुलंद तो ये मुसलमानों की जो बनी उमैया की बनाई हुई तारीख है वो तारीखी है। सलवात पढ़ेगा बाबा आदे बुलंद बेचते थे। बाजी को याद रहे कि
अली ने नबी के साथ खुदा की तौहीद का ऐलान किया तो कुछ कारोबार बंद हुए, जब नबी ने गदीर में अली की विलायत का ऐलान किया तो कुछ कारोबार बंद हुए, और जब हमने हुसैन की करबला बर्बाद की तो कुछ कारोबार बंद हुए। आजादारी कारोबार नहीं है, जिम्मेदार फकीर, जिम्मेदार सामी, जिम्मेदार ऑर्गेनाइजर। सबसे सवाल होगा, आपकी पसंद या उसकी पसंद? सुनो, आपकी पसंद या उसकी पसंद? इस्लाम बाजार नहीं है, शॉपिंग मॉल नहीं है कि ये माल उठाया वो माल उठाया। अजीजो, जो बाजारी है उन्हें मिंबर से भी दूर कर दो, मेहराब से भी दूर कर दो, अदाकारों से भी दूर कर दो, ताकि नारे सलात आ जाए, बाजारियत का खात्मा हो जाए। कि मुहर्रम के इन 10 दिनों में आदमी बन जाओ,
بن جاؤ، جب پورا پیکج لے کے جب ہر رنگ میں مومن بن جاؤ، جب مومن بن جاؤ گے نا تو پھر میں چھٹے امام کی حدیث تمہیں تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں، اور تحفہ لینا تو تم سے بھی میں تحفہ ہی لینا چاہتا ہوں۔ سلمان آپ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں گے تو کیا کریں؟ گھر پہ دعوت میں بلانے ایسے ہی ہے نا؟ آپ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ بیٹے کی برتھ ڈے ہے، بیٹی کی برتھ ڈے، گفٹ لے کے چڑھیں گے؟ آپ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ بہترین قسم کا تحفہ دے دیں گے، پکنک پہ اپنے ساتھ لے کے چڑھا دیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ دیکھو یہ سارا خیر تم جب کرتے ہو تو اس طرح کرتے، اللہ تمہارے ساتھ جب خیر کرنا چاہتا ہے تمہیں یہاں کر دے اور اس اچھے گھر پہ نا۔ اب وہ جو گھر خریدنے کا ارادہ
जो महल नुमा यहाँ का ताज है, खरीदने के लिए गए, खरीदना नहीं। अच्छा आप कह रहा था जी कुछ है, जेब है बाकी जेब में कुछ जेब कहा, जेब में कुछ नहीं है तो कहा देखो जेब में कुछ नहीं है। आज तक का तो जमाना भी जेब वाला है, इसमें पढ़ती भी नहीं है, पढ़ती भी नहीं है, इस जमाने में करती थी लेकिन क्रेडिट कार्ड होते हैं। अब बैंक में, अच्छा बैंक में कुछ है तो पता चला तुम्हारे आमाल का जो अकाउंट है बैंक में तुम्हारे पास हो, विलायत हो, अदा हो, नमाज हो, रोजा हो, जब ये हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। मालिक जन्नत ने ये नहीं कहा कि हम जन्नत नहीं देंगे, मगर मालिक जन्नत ने कहा ये सब लेके आओगे तो जन्नत देंगे। सब लेके आओगे, सब लेके आओगे, बात पहुंच गई, तुमने कहा मैसेज पहुंच गया जन्नत देंगे, बला तभी वो अल्लाह भी जन्नत। परेशान कर दो आदत खराब कर दो। अच्छा खासे बाजार चल रहा नहीं पहुंचाना, मैसेज क्यों नहीं पहुंचा, हमारी जिम्मेदारी है आपकी सुनने हमारे पहुंचानी। इसी हदीस से जोड़ता हूं मौला कहना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, वहां हो गए, यहां काटो गए, यहां कुछ लोग यही काटने की फिक्र में लगे रहे।
दुनिया काटने में लगे होते हैं, दुनिया काटने में इतने आगे बढ़ते हैं, कभी इनको काट रहे हैं, कभी उनको काट रहे हैं, कभी उनको काट रहे हैं, अच्छा उससे भी फुर्सत नहीं मिलती तो सर काटते हैं। जो अपनी आखिरत दुनिया के बदले बेच, यही एक जुमला लेके चले जाओ लोहे कल्प पे, अगर इसे महफूज कर लोगे ना तो सारे मसले खत्म हो जाएंगे। ये जो झगड़े, ये फसादा, ये दूसरे से बातचीत करना बंद, ये दुश्मनियां, ये नाराजगियां, अल्लाह क्या है? एक जुमला फिर सुनना, आप में से बहुत से लोग नमाज़े शब्द पढ़ते हैं, नमाज़े शब्द तुम पढ़ते हो ना तो दुआ करते हो, 40 मोमिनीन के हक में दुआ जिंदा या मुर्दा। अच्छा कुछ बेचारे इतने सादा हैं, कहते हैं कि भाई दुआ मगफरत जिंदगी में करा लो ताकि अकाउंट में वहां बहुत कुछ मौजूद हो, ना खाली हाथ, खाली हाथ खड़े हो जाओगे वहां पर, तवज्जो है ना, तो क्या 40 जिंदा उनके हाथ में। देखो एक साइकोलॉजी बता रहा हूं, नसीहत बता रहा हूं, दुआ कर रहे थे किसी से 10 साल से बात की, दुआ करते करते मतलब उसका नाम सम्मान करा, हम तो ऐसा समझते रहे कि मुस्तजाब दावा जैसे हम ही है, हम ये समझने लगे कि सभी रेजावत हम ही है, हम ये समझने लगे एक हमारी ही दुआ कबूल होती, बाकी तो ऐसा होता ना कई मरतबा। अब ये जो इस तरह की दुआ करते हुए जबान पे नाम आ रहा है, अब नाम आ रहा अपनी जबान को रोक लिया है, अरे झूठ बोलते हुए जबान को रोकना था, गीबत करते हुए रोकना था, तोहमत लगाते हुए रोकना था, वो बहतान लगाते हुए रोकना था, बुराई करते हुए रोकना था, दुआ करते वक्त जबान रोकी नहीं जाती, जहां रोकना ना रोक नहीं रहा, जहां रोकना चाहिए तो जहां रोकना चाहिए उसे नहीं रोका, अल्लाह का जबान पे नाम आ रहा है तो एक मैसेज है पूरा, पूरी एक मजी से आपके लिए सुनो, जैसे किसी का नाम तुम्हारी जबान पे आ रहा दुआ करने के लिए, उसके लिए दुआ खुदा उसे माफ करते, अल्लाह माफी ले फना, तुम रोको नहीं, इसलिए को खुदा उसको दरिया बना रहा है, खुदा उसको दरिया बना रहा है, उसके जरिए से तुम्हें माफ करना चाह रहा है, मुकम्मल कर दी। देखो शर्मनाक में से सबसे बुरा इंसान हुआ जो आखिरत के बदले दुनिया ले, हमारे एक और कैटेगरी होती है, अच्छा अली बता सकते हैं, अली से बेहतर इस दुनिया को कोई बता नहीं, अली से बेहतर कोई बता ही नहीं सकता, इसीलिए नहजुल बलागा खोल लिया है मेरे साथ, बदल कर खुश आ गया, नहजुल बलागा खोल लिया, पहला ही खुतबा अल्लाह की तौहीद जो बयान कर रहे हैं, उसके बाद जो खिलकते कायनात बयान कर रहे हैं, खिलकते कायनात बयान कर रहे हैं, पर अंग्रेज मौलिक देख मुफक्किर देखता कहता है अली ने इस तरह से खुतबे खिलकत में कायनात की तकरीर एंड द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड आपने बयान किया है, ऐसा लग रहा या इन्होंने दुनिया बनाई है या दुनिया इनके सामने बनी है। Amen.
अहमद रजा खान बरेलवी की, वो कहते हैं मेरी तरफ भी उसी के कर्म का सदका है। मदीने की तरफ जाए, नजफ की तरफ जाए, करबला की तरफ जाए, काफमैन की तरफ जाए, सामरा की तरफ जाए, मशहद की तरफ जाए, और अगर आप अपने शहर में अजा खानों में जाए, पहले दिन कह चुका हूं ये तुम्हारी करबला है, ये तुम्हारी करबला है भाई, सुन लिया आपने, ये तुम्हारी करबला है। हमारे कहा ही जाता है करबला जा रहे हैं अल्लाह का, ताकि मेरी तरफ भी ये दो मिसरे मुकम्मल हो, पूरा मजमा बेदार हो, कि मेरी तरफ भी उसी के कर्म का सदका है, मेरी तरफ भी उसी के कर्म का सदका है। कदम ये उठते नहीं है, उठाए जाते हैं। प्यादे होते हैं सर, बात पड़ेगा बाप माँ से।
दुनिया में आखिरत भी गई, दुनिया भी गई आखिरत भी गई, समेट लिया मैंने गुफ्तगु। अल्लाह अकबर, बात ये तो क्योंकि मैंने वादा किया था बात को पूरा करना, करबला तक पहुंच गया। बाकी आदम उतारे गए, हवा उतारी गई, जिनके उतारे जाने से बात हो रही थी। फतेह मक्का का मंजर बयान कर रहा बाजी को, फतेह मक्का का मंजर खाने काबा के कुत्तों ने के लिए नबी ने कहा भाई यही से बात समेटेंगे कर लेंगे भाई। एक मरतबा नबी ने कांधे पर अली को ग्रहण किया, कांधे पर अली को ग्रहण किया, कांधे पर अली को ग्रहण किया। तारीख ये कहती है, तारीख ये कहती है, तारीख ये कहती है कि नबी ने, नबी नबी ने सवारियां इस्तेमाल की है, बहुतों के कांधे की भी आपको रिवायत मिल जाएगी, लेकिन कभी भी फातिमा के घर वालों के अलावा कोई नहीं मिलेगा जिन्हें नबी ने कांधे पर बुलंद किया हो। कभी अली को कांधे पर बुलंद किया, कभी हसन को बुलंद किया, कभी हुसैन को बुलंद किया, पता चला जो बुलंद थे उन्हें बुलंद किया गया है। कहां से शुरू करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
الله